मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे जिंदगी अनलॉक होती जा रही है, साथ ही आज से जो 12वीं क्लास के स्कूल हैं वो भी खुल गए हैं और जो कक्षाएं हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के बाल विनय मंदिर स्कूल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्लास में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों ने सभी ने मास्क पहना हुआ है, साथ ही एक जो डेस्क है उसको छोड़कर यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। हमारे साथ में मौजूद है स्कूल की जो प्रिंसिपल है, मैम है, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह के इंतजाम किए हैं, स्कूल और कक्षाएं खोलने से पहले सैनिटाइज किया गया था या नहीं किया गया था कक्षाओं को। मैम आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि स्कूल आज से शुरुआत हो गए हैं, बच्चों में कितना रुझान दिख रहा है और साथ ही जो कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की बात कही गई थी उसको कितना मैम फॉलो किया जा रहा है। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार विद्यालय को कल ही सैनिटाइज करवा दिया गया था और साथ ही आज विद्यालय द्वार से लगाकर यहाँ तक एक सैनिटाइजर का जो है पैड मशीन वो लगा दी गई है। प्रदेश शासन के नए आदेश के बाद आज 26 जुलाई से स्कूलों को खोलने की इजाज़त मिल गई है। 11वीं और 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं, कोविड गाइडलाइन के तहत उनको स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। 50% स्ट्रेंथ क्लास की जो है वो बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और पढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैं छिंदवाड़ा के एक्सेलेंस स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ जो बच्चे हैं वो बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, गैप्स में इन बच्चों को बैठाया गया है। स्ट्रेंथ कुछ कम है, बच्चे जो है ऐसा लगता है कि अभी नहीं आए हैं क्योंकि पहला दिन है ये सत्र का। यहाँ ऐसा लगता है इंग्लिश की क्लास चल रही है, जो सर हैं वो इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो लेक्चरर मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं कोविड गाइडलाइन की गई हैं इस सत्र के पहले दिन में जब बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी सर मैं महेश पवार, लेक्चरर हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। जो नए सत्र में आज पहला दिन है देखा जाए तो क्या कोविड गाइडलाइन के तमाम पालन के साथ बच्चों को बुलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमने सभी कमरों को सैनिटाइज किया है। शासन के निर्देशानुसार आज कक्षा 12वीं के छात्रों को आधी क्षमता के साथ बुलाना था, तो कक्षा 12वीं के विभिन्न संकायों के छात्र उपस्थित हुए हैं, लेकिन पहला दिन होने के कारण से उपस्थिति कम है। कटनी के माधवनगर उत्कृष्ट हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11वीं और 12वीं कक्षाओं को खोलने के लिए आज ओपन किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं विवा श्रीवास्तव जी, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना की गाइडलाइन को किस तरीके से पालन कराया जा रहा है और बच्चों को किस प्रकार से बैठाया जा रहा है। जी, लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार आज 26 तारीख से कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। कक्षाएं प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही हमारे द्वारा पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करा लिया गया है। मास्क और स्प्रे सैनिटाइजर की व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक कक्ष के सामने सैनिटाइजर रखा हुआ है। 50% क्षमता के साथ बच्चों को बुलाना है। 5 अगस्त से कक्षा 9th और 10th की कक्षाएं भी प्रारंभ होंगी। 11th 12th दो दो दिवस और 9th एक दिन शनिवार को और बुधवार के दिन कक्षा 10वीं। अच्छा लग रहा है कि हम स्कूल आए हैं और बहुत टाइम बाद स्कूल खुला है, तो लग रहा है कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उतना नहीं हो पाता है, इसलिए हाँ बिल्कुल। आप भी काफी समय के बाद? हाँ बहुत समय बाद आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल खुल गए। दोस्तों से कितने दिन बाद मुलाकात हो रही है? 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने? हाँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मतलब अच्छा है, रेगुलर हो जाए स्कूल और अच्छा है। अभी तो अल्टरनेट लग रहा है एक दिन, ठीक है रेगुलर स्कूल खुले। हाँ, नियमित कक्षाएं लगना चाहें क्या? यस, बहुत अच्छा रहेगा अगर नियमित कक्षाएं लगेंगी और बहुत अच्छा लगता है स्कूल में आके। जैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है वैसे ऑनलाइन तो हो नहीं पाती है। जी जी। एक तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं? तीसरी लहर अगर हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा से रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लंबे समय बाद आज से स्कूल शुरू हो रही हैं। 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए आज से शुरू की जा रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जबलपुर के MLV स्कूल में और लगातार जो स्कूल प्रबंधन द्वारा है वो व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनके लिए
व्यवस्थाएं जो हैं वो स्कूल में की गई हैं, चूँकि लंबे समय बाद क्लासेस लग रही हैं, लंबे समय बाद स्टूडेंट स्कूल पहुंच रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देखते हैं लंबे समय बाद आप लोगों की, डेढ़ साल बाद इस तरीके से क्लास लग रही है, अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी आप लोगों की? यस सर। कैसा लग रहा है बहुत समय बाद आप लोग स्कूल आए? बहुत अच्छा लग रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखा जाना, इसके अलावा जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके आने के पहले मास्क को चेक किया जाना, इसके बाद टेम्परेचर लिया जाना, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो स्कूलों में पूरी कर ली गई। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ जबलपुर। सरकार ने करीब डेढ़ वर्ष के बाद स्कूलों को 11वीं और 12वीं के क्लासों को लगाने का निर्णय लिया है और आज भिंड के शासकीय विद्यालय और निजी विद्यालयों में क्लास का चलना शुरू हो गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं क्लास में पहुंचे हैं और बच्चों में खुशी की भी लहर है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जो पढ़ाई की व्यवस्थाएं थी वो अस्त व्यस्त थी, तो उसी के साथ जो शासन की गाइडलाइन है गाइडलाइन के अनुसार क्लासों में बच्चों को बैठाया गया है। वहीं हमारे साथ एक क्लास टीचर शिक्षक मौजूद हैं साथ में, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको शासन की गाइडलाइन के अनुसार फॉलो कराते हुए पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल, बताया है कि आज से जो क्लास चालू है क्या स्थितियाँ रहेंगी किस तरीके से, क्योंकि कोविड महामारी से लगातार हम सब लोग ग्रसित हैं और इतने दिनों से विद्यालय का इस प्रकार से कक्षाएँ बंद थी, तो शासन की गाइडलाइन के अनुसार आज से कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया गया है। राजगढ़ जिले में शासन के निर्देशानुसार 11वीं व 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। जो अभी वर्तमान में हम शासकीय गर्ल्स स्कूल ब्यावरा में हैं, यहां पर देखेंगे तो व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो यहां पर अभी एडमिशन चल रहे हैं, कुछ क्लासें लग रही हैं, इधर जो साइड में है टीचर्स लोग बैठे हुए हैं। अब एक कक्षा जरूर प्रारंभ हुई है 12वीं की, जिसमें हम देखेंगे तो कुछ बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर जो पूरा भवन है उसको सैनिटाइज किया जा चुका है, जो कल पीएससी की एग्ज़ाम थी उसके बाद आज जो है पूरा सैनिटाइज करके क्लासें प्रारंभ की गई हैं। यहाँ पर एक कक्ष क्रमांक 25 यहाँ पर देखेंगे तो कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हालांकि आज बारिश के कारण कुछ बच्चे जो हैं कम संख्या में ही आए हुए हैं। क्या प्रोसेस है, जो क्या नाम आपका? जहाँ पर लगभग दो सत्र के बाद में आज से स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें 11वीं और 12वीं की क्लासें आ रही हैं। इस दौरान हम स्कूल में आए हुए बच्चों से बात करते हैं कि उन्होंने कोरोना काल के कारण किस तरीके से पढ़ाई करी और आज जब स्कूल खुल रहे हैं तो वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। आई हमारे साथ कक्षा 12वीं की एक छात्रा है, क्या नाम है? मेरा नाम कक्षा 12वीं की छात्रा। आप लोग लगभग 2 साल के बाद स्कूल आ रहे हैं, आपको किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर आज हमें बहुत खुशी हो रही है, आज हम इतने दिनों के बाद आज हम अपने क्लास में आए हैं, अपने स्कूल आए हैं, आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप लोग जैसे 2 साल तक लगभग जो है ऑनलाइन पढ़ाई करें, किस तरीके से पढ़ाई कर पा रहे थे, क्या परेशानियां आ रही थी? हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, हम उसमें पूरी मतलब अच्छे से पढ़ाई किए हैं, ऑनलाइन जो भी क्लास लगी है तो हमने अटेंड किए हैं। आइए हमारे साथ एक और छात्र हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से, क्या नाम है? कपिल माँ जी, नमस्कार। किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे आप लोग और आज स्कूल खुले हैं तो कैसा महसूस? सर जैसे क्या 2 साल बाद हमारे स्कूल शुरू हो गए हैं तो फिर एग्जाम का काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जैसे शासन का आदेश था, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट को सौंप दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जो आदेश अब जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ने लिया है कि शहडोल में भी जो कोरोना की जो केसेस हैं वो शून्य आ रहे हैं, उसके बाद ही शहडोल में स्कूल खोलने का क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग ने निर्णय लिया है। हालांकि जो स्कूल का खोलने का निर्णय लिया गया है उसके साथ 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे और ये जो क्लासेस है 10वीं और 11वीं की कक्षाएं लग सकेगी। हालांकि जो स्कूल को आदेश दिया गया है, सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल को आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा
और लगातार जो शिक्षक है उनको वैक्सीनेट करना अनिवार्य होगा। कोरोना लॉकडाउन के बाद में काफी दिनों बाद आज सीहोर में स्कूल लग रहे हैं। 50% बच्चों को यहाँ बैठाया गया है क्लास में। आप देख सकते हैं हम इस समय मौजूद हैं सीहोर के एक्सीलेंस स्कूल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लासें संचालित की जा रही है। बच्चों को काफी दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाया जा रहा है। बच्चों ने या सभी ने मास्क लगाए रखे हुए हैं। हमारे साथ में कुछ चार यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के लिए कैसे की आपने? नहीं, लॉकडाउन था, स्कूल नहीं लग रहे थे, तो पढ़ाई आपने कैसे ऑनलाइन होती थी? कैसे काफी अच्छा है यहाँ पे लग रहा है। क्या क्या आप यहाँ आज जो आए यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज आपके यहाँ साथ भी आपके महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज सोमवार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ साक्षात महाकाल विराजित है। यह उनका शिवलिंग है। भगवान महाकाल के गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही नंदी हाल में भी श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आज सावन का सोमवार होने के कारण मंदिर जो बड़े भव्य तरीके से सजाया गया है, पुष्पों से आकर्षक साजो सज्जा की गई है। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ की विशेष भस्म आरती की गई है। भगवान को सुबह पंचामृत अभिषेक के बाद यहाँ पर भस्म रमाई गई। भस्म रमाने के बाद ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर बाबा की भस्म आरती की गई है। आज यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मेरे साथ कुछ पंडित जी भी है। पंडित जी, आज क्या विशेष दिन है, किस प्रकार से बाबा की आरती की गई है? देखिए, जिस प्रकार आज सभी को पता है कि आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पधार रहे हैं दर्शन के लिए, बाबा की एक झलक पाने के लिए। और प्रातःकाल यहाँ बाबा का भस्म आरती किया गया है, विशेष रूप से विशेष श्रृंगार किया गया है। श्रावण मास में जो कि पूरे महीने भर ही आयोजन हुआ करता है नित्य प्रति, लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए आयोजनों में थोड़ी सी कटौती की गई है। अब की चार सोमवार है, चारों सोमवार को भगवान श्री ओंकारेश्वर जी की पालकी धूमधाम से तो निकलेगी, लेकिन उसमें श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी गई है। कुछ ही लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। गुलाल के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। गुलाब की पंखुड़ियों की जरूरत भगवान के ऊपर वर्षा की जा सकती है। उसमें मंदिर के सवारी में कुल मंदिर के कर्मचारी और चंद पंडित पुजारी रहेंगे। सावन के पहले सोमवार में आज शिव मंदिरों में शिव भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है और इस समय हम भोपाल के प्राचीन मंदिर गुफा मंदिर में मौजूद है और आप यहां पे देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है शिव भक्त शिव दरबार में मौजूद है और यहां पे जो है शिव की प्रतिमा यहां पे पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब यहाँ पे उमड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मौसम भी जो है करवट ले लिया है और रिमझिम बारिश के साथ यहाँ पे जो है भगवान शिव की प्रतिमा का मौसम ने भी अभिषेक किया। उसके बाद जो शिव भक्त हैं वो भी यहाँ पे शिव जी की यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, वहाँ पे अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश में जो है शिव मंदिरों में गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। शिव भक्त जो है ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे जो है मंदिर पहुँच रहे हैं, शिव भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। साल के सबसे पवित्र माह सावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है। शिव मंदिरों में जो है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है। जबलपुर के कचनार सिटी मंदिर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा ये है, 76 फीट ऊंची, और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मंदिर में चूँकि इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो, दूर दराज से लोग आते हैं, इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा भीड़ मंदिर परिसर में इकट्ठा ना हो, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, इस बात का ध्यान रखा गया है। बिना मास्क के मंदिर के अंदर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है, साथ ही मंदिर प्रबंधन की टीम यहाँ पर मौजूद है।
जो ज़्यादा भीड़ मंदिर परिसर में एकत्र नहीं होने दे रही, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की हिदायत जो है वो दी जा रही, तो लगातार जो प्रयास हैं कि लोग पूजन अर्चन तो करें लेकिन साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करें। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। ग्वालियर शहर को लगातार पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और जनप्रतिनिधि लगातार टैंकर भेजकर पानी का पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का टैंकर भेजा जा रहा है, साफ तौर पर कितनी भीड़ देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं और टैंकर के चारों तरफ पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे जो घर की प्यास है उसको बुझाया जा सके, क्योंकि लगातार पानी की किल्लत आ रही है, न ला नहीं रहे, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं महिलाएँ, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग पानी से लगातार परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर का जो बांध है तिगरा, वहाँ से पानी पूरे ग्वालियर में सप्लाई किया जाता है, लेकिन तिगरा डैम में सूख जाने के कारण पूरे शहरवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और यही वो तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, भीड़ भाड़ लगी हुई है, कोविड के प्रोटोकॉल के साथ कहीं ना कहीं अब कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है, लोग बिना मास्क के देख रहे हैं, लेकिन पानी पहले बचाना है क्योंकि लोगों को पानी भरना है, और यही वजह है कि पहले मैं की होड़ में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं और पानी अपने घरों के लिए भर रहे हैं। मरवाही वन मंडल के मरवाही वन प्रक्षेत्र में जामवन प्रोजेक्ट के तहत जगह जगह फलदार एवं भालुओं के भोजन के हिसाब से पेड़ पौधे लगाए गए थे। ये एक धरा ग्राम पंचायत का वन परिक्षेत्र है जहां पर जामवन परियोजना के तहत फलदार वृक्षारोपण सन 2020-21 में किया गया था। कक्ष क्रमांक 1527 है जहां पर क्षेत्रफल लगभग 10 हेक्टेयर में पौधा रोपित किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भी पौधा जीवित नहीं दिख रहा है। चूंकि इस प्रोजेक्ट में साफ निर्देश था कि जहां पर ये जामवन प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, फलदार वृक्ष लगाया जा रहा है, वहां पे कांटे तार से घेराई करना था और पेड़ों की निगरानी करनी थी, पर आप देख रहे होंगे कि न कहीं पे कांटा तार लगाया गया है, न फूल लगाया गया, सिर्फ झाड़ियों के सहारे इस प्रोजेक्ट को रुधाई कर दिया गया था, जिसके चलते आवारा पशु या कहें कि जानवर घुस के पूरी तरह से वृक्षों को नुकसान पहुंचा दिए। वन विभाग दावा तो करता है कि भालुओं के रहवास में हम लोगों के द्वारा लगातार फलदार वृक्ष लगाया जाता है, पर जमीनी हकीकत ये कहता है कि प्रोजेक्ट के नाम पे करोड़ों का घोटाला किया जाता है। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पेंडर।